कोई सा भी महकमा ऐसा नहीं है या कोई भी मिल या कोई भी मतलब इदारा ऐसा नहीं है जो मुनाफे में जा रहा हो। पीआईए भी इसी तरह मुनाफे में नहीं जा रही। पीआईए जिस तरह बंद हुई है, हमें उसकी वजूहात पहले जानना चाहिए कि बंद क्यों हुई है। उन वजूहात को सामने रखते हुए फिर हम काम करें ना कि दोबारा चलाएं। अब जिन वजूहात की बिना पे बंद हुई है, आवाम से पूछे तो कुछ और कहते हैं, दीजिए किराया ज्यादा था, सर्विस अच्छी नहीं थी, और जो उनका सलूक था वो अच्छा नहीं था, फिर टाइम ज्यादा लगाते थे और ज्यादा पैसे लेते थे, और अक्सर ये होता था जहाज खाली जा रहा है और उसके बाद कहते थे जी सीटें भरी हुई हैं। तो जाहिर है अब इन चीजों की वजह से आवाम ने जाना छोड़ दिया। आया पीआईए इन चीजों को रेगुलर कर सकेगी? कभी भी नहीं। तो फिर किस तरह हम कहते हैं जी पीआईए बहाल करो, पीआईए बहाल करो? ठीक है ना, पहले आपस में मिलो, सब एक चीज तय करो, एक पुंतों पे पहुंचो भी, हाँ इस लाइन पे हमने काम करना है तो ठीक है बहाल होगी, वरना ये बेसुध है कि हर कोई अलहदा ले। देखो जो कंट्री मैनेजर है, मुझे वो कंट्री मैनेजर तो कम लगता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो आदमी तलाश कर रहा होता है इधर बार्सिलोना के अंदर, जो उसे दावत खिलाए और उसकी फोटो इंटरनेट के ऊपर चढ़ जाए। मैंने तो आज तक उसका यही काम देखा है, और कभी भी हमने उसे नहीं देखा कि वो पीआई के हवाले से उसका नाम आया हो। कोई जहाज लेट हो गया तो कभी उसकी खबर आ जाती है, अदरवाइज कोई भी आदमी उसे नहीं जानता, और ना ही उसने काम करा, ना ही वो पहले करा था ना अब करेगा। उसे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि अपने वो इस काम के ऊपर तवज्जो